हम देखते हैं कि इसमें कौन सा हार्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ह्यूमन है, किंग क्रैब है और शार्क है। तीनों की रेसिडेंस अलग अलग है, तीनों का हार्ट का फंक्शन भी थोड़ा बहुत डिफर करता है। तो किंग क्रैब का जो किंग क्रैब एक आर्थोपोड है, किंग क्रैब एक आर्थोपोड है। आर्थोपोड के पास होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। तो इसका आंसर है पी। अब ब्रोंकाइल हार्ट किसके पास होता है? ब्रोंकाइल हार्ट शार्क जैसे फिशेस के पास होता है। तो इसका आंसर जो है वो है क्यू। और हमारे पास इनका जो शार्क का हार्ट रहता है वो सिंगल सर्कुलेशन करता है, और हमारे पास पल्मोनरी हार्ट रहता है जो डबल सर्कुलेशन कर सकता है। डबल सर्कुलेशन कर सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, T1, Q3 और R1। अगला क्वेश्चन है, मैच द एंजाइम इन ग्रुप ए विद द रिएक्शन इन ग्रुप बी। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ए एंड बी। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, PQRS, और यहाँ पे पांच ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें मैच करना है किसका किसके साथ लिंक बैठता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोलेज को। हाइड्रोलेज हमें पता है क्या करता है, हाइड्रोलाइजेशन करता है बॉन्ड्स का। तो जो ये हाइड्रोलेज एंजाइम होगा, वो क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ केमिकल ग्रुप करेगा एक सब्सट्रेट पे से दूसरे सब्सट्रेट पे, ट्रांसफर ऑफ केमिकल ग्रुप करेगा, इसलिए ये है पी। अच्छा, अब लाइस क्या करता है? लाइस का मतलब होता है तोड़ना, लाइस का मतलब होता है तोड़ना। तो लाइस क्या करेगा? रिमूवल ऑफ केमिकल ग्रुप फ्रॉम अ सब्सट्रेट। ठीक है, जो लाइस का काम होगा कि किस कोई केमिकल ग्रुप है जो सब्सट्रेट पे बाइंड किया हुआ है उसको वो तोड़ देगा। तो लाइस का आंसर होगा क्यू, फोर्थ वाला। ठीक है, तीसरा है आइसोमरेज। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर बस उसी का एक इंटर कन्वर्शन होता है। तो उसी आइसोमर का काम क्या होता है कि इंटर कन्वर्शन करना किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर के बीच में। ऑप्टिकली आइसोमरिक कंपाउंड्स आपको पता ही है क्या होते हैं। तो आइसोमरेज जो है वो इन ऐसे कंपाउंड्स का आइसोमर बनाता है। तो इसका आंसर हो गया आर। और लाइगेज, लाइगेज का मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपाउंड्स। तो जैसे लाइस का जस्ट उल्टा है, लाइगेज, लाइस ब्रेक डाउन करता है और लाइगेज ज्वाइन करता है, इसलिए इसका आंसर है एस। तो ओवरऑल तो ये इसका टोटल पेयर, इसका आंसर आएगा बी वाला, जो P5, Q4, R1 और S3 है।